ठाकुर से आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट थर्ड का बैंथम का देन और महत्व के मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है उपयोगितावाद का प्रतिपाद। इसमें बैंथम ने क्या कहा है कि राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना, यानी उपयोगितावाद प्रमुख रूप से सार्वलौकिक सुखवाद की धारणा पर आधारित एक नैतिक सिद्धांत है, जिसे बैंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की धारणा के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का प्रदान किया है। बैंथम तथा अन्य उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है और राज्य के अस्तित्व की उपयोगिता तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर ही न्याय संगत समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई नीति या देवी उद्देश्य भी है। बैंथम के शब्दों में, हम राज्य की आज्ञा का पालन भी उपयोगिता के आधार पर ही करते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य को प्रत्येक कार्य करने के पूर्व ये देख लेना चाहिए कि उस कार्य से कितने लोगों का हित होता है। तो इनकी जो है उपयोगितावाद का सिद्धांत बड़ा प्रमुख है। फिर दूसरा हमारा ये आता है राज्य के कार्य और उद्देश्य के संबंध में यथार्थवादी धारणा। इसमें बैंथम ने क्या कहा है कि इस संबंध में एक नवीन सिद्धांत का विकास था। ये उनकी दूसरी देन थी, राज्य के कार्य उद्देश्य के संबंध में एक नवीन सिद्धांत का विकास था और राज्य के कार्यों के मापदंड हेतु अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख का एक व्यावहारिक आधार प्रदान किया। मैक्सी ने भी ये कहा है कि उपयोगितावाद की बैंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की कसौटी को अस्वीकार करने वाले तथा उनकी खिल उड़ाने वाले व्यक्ति भी उसके सिद्धांत की अपेक्षा नहीं कर सकते। सरकार तथा उसके अधिकारों का औचित्य इस बात से निश्चित होता है कि वह प्रजा को कितना निष्पक्ष और स्पष्ट सुख पहुँचा रही है, उसकी कितनी सेवा कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार। यानी बैंथम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन क्या है, कानून और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में है। बैंथम के द्वारा कानून की संहिता का बल दिए जाने के कारण ही 19वीं सदी में अनेक देशों में कानून संहिताएं बनी और उनके प्रयत्नों से ही 1832 में पार्लियामेंट का प्रथम सुधार कानून पारित हुआ। ब्रिटिश संसद में सुधार के लिए आंदोलन करने वाले सभी व्यक्ति उसे प्रेरणा प्राप्त करते रहे और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित अनेक सुधार कानूनों को उसी प्रेरणा का परिणाम कहा जा सकता है। वैधानिक तथा न्यायिक क्षेत्र में उसके स्पष्ट प्रदर्शन के कारण ही वैधानिक तथा न्यायिक सुधार के इतिहास में उसका एक अत्यंत उच्च स्थान सुरक्षित हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है लोकतंत्र की शक्ति प्रदान करना। यानी बैंथम ने क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता, गुप्त मतदान, वयस्क मताधिकार आदि का समर्थन करते हुए जनतंत्र को बल प्रदान किया है। बैंथम का क्या विश्वास था कि राज्य मुट्ठी भर लोगों की स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं होना चाहिए, उसे सामान्य जनहित तथा सार्वजनिक कल्याण का साधन बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में स्थिरता उत्पन्न करना। क्योंकि व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से बैंथम की महत्वपूर्ण देन ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में स्थिरता को बनाए रखना है। फ्रेंच राज्य क्रांति के बाद से समस्त यूरोप में क्रांतियों की बाढ़ सी आई हुई थी और ब्रिटिश कॉमन सभा में भी कोलाहलपूर्ण दृश्य रोज की बात हो गए थे। ग्लैडस्टन जैसे व्यक्ति भी ये कहने लगे थे कि कोई भी महान उद्देश्य भावावेश के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में बैंथम ने इस बात पर बल दिया कि सुधार क्रांतियों से अधिक वांछनीय है और इस प्रकार ब्रिटिश राजनीति को क्रांति से सुरक्षित रखा। बैंथम द्वारा प्रस्तावित सुधार के कारण अंग्रेज ये समझ गए थे कि सभी विवादपूर्ण प्रश्नों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट है राजनीति के क्षेत्र में अनुसंधान। यानी बैंथम ने किस बात पर जोर दिया कि राजनीति में किस नवीन नीति या संस्था को अपनाने के पूर्व सभी संबंध क्षेत्रों से तथ्य एकत्रित किए जाने चाहिए और विवादपूर्ण प्रश्नों की जांच के लिए समितियां और आयोग स्थापित किए जाने चाहिए। इस प्रकार की समझ जांच पड़ताल के बाद ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार बैंथम ने राजनीतिक जीवन में प्रयोगवादी, अनुभववादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का श्री गणेश किया। बैंथम के बाद इस दृष्टिकोण को सभी देशों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हेजलिट के शब्दों में, उसका नाम इंग्लैंड में कम यूरोप में अधिकतर तथा चिली के मैदान
और मेक्सिको के खानों में अधिकतम ख्यातिपूर्ण है। उसने नवीन विश्व को संविधान तथा भविष्य के लिए कानून प्रदान किए हैं। मिलने भी क्या कहा है उसे, मानव जाति के सर्वाधिक बुद्धिमान और महान शिक्षकों में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने मानव को शाश्वत मूल्य के विचार प्रदान किए हैं। तो उनका जो टोटल देनो महत्व है उसमें उपयोगितावाद का प्रतिपादन, दूसरा राज्य के कार्य उद्देश्य के संबंध में यथार्थवादी धारणा, तीसरा कानून न्याय व्यवस्था में सुधार, चौथा लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करना, पापा विशिष्ट आदि जीवन में स्थिरता उत्पन्न करना। थैंक्स।